हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने एक सिंधी का वीडियो डाला था, सबसे स्टार्टिंग में डाला था, तो उसमें वीडियो कहीं कहीं रुक रहा है, तो उस पर कमेंट आ रहे हैं कि वही डिजाइन सीखना है हमको और वही डिजाइन बनाना है उनको। तो आइए, उनके लिए हम बनाते हैं, फिर से ये दोबारा वीडियो डालते हैं। तो देखिए, आप किसी भी कपड़े पर बना सकते हैं, तो डिजाइन हमको बताना है। तो देखिए, हमने वाइट कपड़ा ले लिया है बनाने के लिए, अंगून हमने रेड कलर का ले लिया है। आप अपने पसंद से जिस पे बनाना है उसके मुताबिक कपड़ा ले लेंगे और ऊन ले लेंगे अपने पसंद से। और देखिए, ये कपड़ा हमारा हो गया। अब आइए, इस कपड़े पर हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। पहले इस पर हम निशाना लगा लेंगे। देखिए, स्केल से हम इसमें हमें लंबाई चौड़ाई नहीं नापना है कि कितना कैसे करें, हम आपको साइड से बता रहे हैं। इस पर हम निशाना लगा लेंगे ताकि हमारा निशाना सही जाए, बस हमको ये ध्यान रखना है। इस तरह से निशाना हम एक लगा लिया और ठीक इसके आधा इंच के लगभग में एक और निशाना हमें लगा लेना है। देखिए कि ये निशाना हमने लगा लिया, दो निशाना लग गया। अब ये ऊपर वाले निशाने के लेवल में हम एक और इस साइड निशाना बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कॉर्नर होता है, एक साइड बना करके हम फिर मुड़ेंगे कैसे, और फिर एक इसके पास में ही, देखिए इधर से हमें दिखाई देगा ताकि हम आपको बताने में बढ़िया से बता दें, एक इधर निशाना हम लगा लेंगे। इस तरह से बन जाएगा। तो आइए, इस तरह से हम निशाना लगा लेंगे और फ्रेम लगा करके हम आपको डिजाइन बनाना बताते हैं। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। पहले सुई को हम नीचे से करते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे। इसके बाद ये देखिए, ध्यान रखना है, ये सारा धागा इधर करके हमें इस साइड से निकालना है। ये वाला धागा हमारा ऊपर होगा और ये नीचे वाला धागा हमारा अंदर होगा। हर बार हमें ये ध्यान रखना है। और जब इधर से हम बनाएंगे तो ये वाला धागा हमारा ऊपर होगा, ये वाला धागा हमारा ऊपर होगा, नीचे वाला धागा हमारा नीचे जाएगा और ऊपर वाला धागा हमारा ऊपर जाएगा। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। देखिए, फिर से एक बार आप देखिए इसको। ये वाला धागा हमारा ऊपर जाएगा और ये वाला धागा हमारा नीचे जाएगा। इस तरह से बनाने में हमारा एक बार भी बन जाता है, नहीं तो देखिए इस तरह से भी हम बना सकते हैं इसको। इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन फिर हमें धागा को फेरना पड़ेगा अंदर की तरफ। इस तरह से करके फिर इसको हमें अंदर की तरफ लेना पड़ेगा। दोनों बात हमारी बराबर पड़ेगी, लेकिन हमें शुरू में ही ध्यान देना पड़ेगा थोड़ी बारीकी से। इसको अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए, इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसके आगे वाला पोर्शन देखिए, हमें कैसे बनाना है इसको, कॉर्नर पर हम कैसे घूमते, एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इस तरह से यहाँ बनाने के बाद में ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे हम सुई से धागा निकालते हुए इस साइड आ जाएंगे हम। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर बनाने के बाद में हम इस साइड घूम जाएंगे। इस तरह से फ्रेम घुमा लेंगे और फिर यहाँ से हम इसको बनाएंगे। यहाँ से वैसे ही फिर हम स्टार्ट कर देंगे बनाना, जैसे कि हमने पीछे बताया था आपको। इसी तरह से ये लाइन भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ से हम बैक हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस तरह से इस सुई को नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए निकाल लेंगे धागे को। इसके बाद यहाँ इस धागे को नीचे करेंगे, इस धागे को ऊपर करके निकाल के फिर एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। इसके नीचे से सुई हमने निकाला है। अब देखिए इसको ऊपर से यहाँ पर इस तरह से हम निकालेंगे। अब दोनों के बीच में हमें सेंटर में यहाँ पर लेना है। इधर से ध्यान से देखना आप, इस तरह से फिर इस धागे को ऊपर नीचे, एक धागा नीचे करेंगे तो एक धागा ऊपर कर लेंगे, फिर ऐसे ही हम करेंगे। अब देखिए ये हमारा पहला स्टेप है। अगर हमारा बनाना है तो ऐसे भी इसी की तरह फिर यहाँ पर बना करके पूरे लाइन भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियो में डाला है। सूट वगैरह पर भी बना सकते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन करके बाजू पर भी बना सकते हैं, सूट के किनारे पर भी बना सकते हैं। और इसके आगे वाला स्टेप बना रहे हैं जो कि हमने वीडियो में डाला है, जहाँ पे वीडियो हमारा रुक रहा है वो वाला स्टेप बता रहे हैं हम। इस तरह से ये इसके ऊपर जाएगा और फिर इसके नीचे से सुई को लगा के धागा हमें इस साइड निकाल के इसको फिर देखिए यहाँ पर हमें बनाना है। इस धागे को ऊपर करके सुई नीचे से निकाल के ठीक इसके लेवल में हमें लेना है, इसके लेवल में लेना है। इसे थोड़ा सा ऊंचा लेना है क्योंकि ये वाला सुई ऐसे गया है, ये वाला सुई ऊपर से नीचे गया है, ये साइड से गया है, तो अगला वाला जो हमारा होगा ये इसके लेवल में आ जाएगा। और इसके लेवल में यहाँ हम जगह छोड़ देते हैं। ये हमारा फिनिशिंग के लिए ऐसे हम बता रहे हैं पहले से ही। अब देखिए ये वाला बनाया हमने, ये इसके ऊपर आएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसके ऊपर इसको बनाने को बताया था आपको। अब देखिए दोनों हमारा लेवल में आ जाएगा। फिर इस धागे को उठा के फिर अब इस साइड से हमें करना है। अब ये दोनों के बीच में हमें यहाँ पर सुई ऊपर से नीचे निकालना है। अब ये वाला जो हमने बनाया था वैसे ही इसके लेवल में ये हमारा आ जाएगा। अगर हम शुरू से फिनिशिंग करेंगे, देखिए अभी इस धागा को एक ऊपर उठाएंगे, एक धागा को ये अपने आप हमारा ये नीचे हो जाएगा। अब फिर एक हमारा ये बच गया है यहाँ पर, इसको हम निकाल करके ये हमारा फुल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इस धागे को नीचे करेंगे, इस धागे को ऊपर करेंगे तो फिर एक धागा हमारा ये नीचे हो जाएगा। फिर देखिए वैसे ही हमारा हो गया। ये धागा से जो हम नीचे बताते आ रहे हैं कि नीचे करना है, ये अपने आप ये नीचे हो जाएगा। अब ये धागा हमारे बनाएंगे तो ऊपर से चला जाएगा। तो आइए फिर इस धागे को उठा करके उसी तरह से हम बनाते हैं। इस तरह से ये हमारा फूल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये फूल हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अभी हम थोड़ा सा बना लेते हैं, यहाँ तक का स्टेप हम बना लेते हैं। कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो फिर ये जो आगे वाला फूल बना रहे हैं हम, आप इसको देखिएगा ध्यान से, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर बनाए हुए आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। और इसको शुरू से लेके लास्ट तक हमारे वीडियो को देखें, फिर आपको बनाने आ जाएगा फ्रेंड्स।
देखिए अब इसके आगे हम दूसरा वाला स्टेप बना रहे हैं, दूसरा फूल। ये वाला हमने बना करके यहाँ पर जो किया था, इसके आगे जो स्टेप हमने बनाया यहाँ तक तो आपको बताया है, इसके आगे जो बनाया ठीक इसके ऊपर बनाना है। और इसके बाद ये दोनों के बीच में हमें नीचे से बना के इस तरह से धागा हमें ले आना है और फिर इसके ऊपर हमें बनाना है। फिर देखिए अब ठीक इसी के लेवल में फिर बनाना है हमें, इसके ऊपर और इसके बराबर में, और फिर इसके थोड़ा सा हमें इसके डबल लेना है इस बार। इसके डबल हमने कर लिए, और फिर इसके बराबर में लेना है, इससे के तिरछा लेना है। इस तरह से भी हम धागा नाप सकते हैं इसको। इस तरह से हमें फिर धागा उठा के इसके नीचे से सुई को लेकर के हमें बनाना है। जैसे इस वाले को बनाया है हमने, वैसे ही ये वाला स्टेप हमारा बन जाएगा। फिर धागा को ऊपर उठा करके सुई को नीचे करते हुए इसको हमें बना लेना है इस तरह से। ये देखिए हमारा, फिर धागा उठा करके इसके बराबर में और इसके लेवल में हमें ले लेना है इसको। सुई को नीचे की तरफ करते हुए फिर देखिए एक का यहाँ पर जगह छोड़ करके देखिए यहाँ पर हमें बनाना है। फिर एक हमें यहाँ पर बनाना है, ये यहाँ पर इसके लेवल में हमें बनाना है। फिर एक हमें दोनों के बीच में बना के यहाँ पर बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर करके यहाँ पर हम ले लेंगे। फिर ये दोनों के बीच में लेना है, इसके और इसके बीच में हमें बनाना है इस तरह से। फिर इस तरह से हम ले लेंगे। फिर जहाँ पे हमने बोला था कि एक का जगह छोड़ना है, तो देखिए एक का जगह हमने छोड़ दिया था, एक इसके बीच में हमें बनाना था नीचे आने के लिए, यहाँ पर एक बनाना था हमको, हमने बना लिया। फिर एक यहाँ पर हमने बना के हमारा धागा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर हमें बनाना था तो सुई को नीचे कर लेते हैं। फिर दूसरा धागा लगा के हम आपको बता रहे हैं। देखिए फिर जहाँ पे हमारा धागा ख़त्म हुआ था वहीं पे हम सुई को निकाल लेंगे नीचे की तरफ से करते हुए, और फिर यहाँ पर हम बना लेंगे इसको। फिर यहाँ पर हमारा जगह खाली है, इसको बनाते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब फिर इस धागे को उठाएंगे, अब इसके बगल में यहाँ पर हम बना लेंगे। अब फिर यहाँ पर ये दोनों के बीच में जैसे यहाँ पर हमने बताया था ठीक वही वाला फिर यहाँ पर हमें बनाना है। बना लेंगे इसको इसी तरह से। फिर इस धागे को उठाएंगे, जैसे उसको बनाया हमने ऐसे इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस धागा को उठाते हुए हम यहाँ पर हम आ जाएंगे बनाने के लिए। अब इसके नीचे हम इसको बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये बन गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो चार होता है, एक दो तीन चार, चार चार का
एक फूल बनता है, चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए। देखिए यहाँ भी बना है, एक दो तीन चार, चार का एक फूल बना है। फिर यहाँ पर हमारा एक दो तीन चार, चार हमारा यहाँ पर है तो चार का एक और फूल बनेगा। तो यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे, जो ये वाला फूल हमने बनाया है वही फूल यहाँ पर हम बनाएंगे। एक बना करके कॉर्नर को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। कॉर्नर को कंप्लीट करने के लिए पहले एक फूल हम बना लेंगे, ये वाला पूरा फूल यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देखिए ये वाला फूल हमारा कंप्लीट हो गया है, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था वही वाला चीज़ यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, कोने पर घूमना है तो इस धागे को उठाते हुए हमें यहाँ पर चला जाना है हमें। जब यहाँ पर हम चले जाएंगे फिर इस फ्रेम को इधर घुमा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम वही वाला फूल बनाएंगे, लेकिन ये कॉर्नर के रूप में कैसे हमारा फूल बन जाएगा, देखिए इसको हमें सटा सटा के बनाना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इसी फूल को, आप देखिएगा। जैसे कि हमने पहला स्टेप ये बनाया था वो बनाना है, लेकिन पर इसके साथ बनाना है ताकि अटैच हो जाए तो हमारा कॉर्नर बन जाएगा। बहुत सारे कमेंट आए थे इस वीडियो पर कि वीडियो रुक रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था इशू, वीडियो में नहीं रुका, पर ये डालने के बाद चैनल पर वीडियो रुका हुआ दिख रहा था फ्रेंड्स। तो जिसको भी सीखना हो चैनल पर जाएंगे तो देख लेंगे तो सीख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर इसको हम फिर देखिए जो दूसरा वाला स्टेप हम यहाँ बनाते थे वो वाला यहाँ पर बना लेंगे, इसके पास में बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम बना लेंगे। फिर ये वाला यहाँ पर बनाएंगे। ये वाला यहाँ पर हम बना लेंगे। अब ये दोनों के बीच में जो हमें बनाना था उसको हम यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। तो ये वाला देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। हमने अपने चैनल पर सिंधी का हर तरह का फूल डाला है, हर तरह का डिज़ाइन डाला हुआ है। बड़े बड़े फूल है, कॉर्नर है, बीच वाला फूल है, हर तरह के फूल हमने सिंधी वाला डाल चुका है पार्ट वन पार्ट टू में करके। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो सेंटर में जो फूल बनाना है उसका भी हमने कितने पार्ट में करके डाला है, बड़ा वाला कॉर्नर बनाया है उसको भी हमने चार पाँच पार्ट में करके डाला है। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये हमारा कॉर्नर बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब इधर फिर हमें आगे वाला फूल बनाना है, तो चाहेंगे हम तो इसको भी बना सकते हैं, चाहेंगे तो इसको भी बना सकते हैं। तो चलिए हम किसी को भी बना लेंगे, कोई भी फूल बना सकते हैं। चलिए हम यही वाला फूल बना के आपको दिखा देते हैं। इसके बगल में ये है इसीलिए इसके बगल में यही वाला बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारा जो कॉर्नर बना है इसके बगल में ये फूल बनाएंगे, जो कि बड़ा बड़ा चादर में भी हमने आपको वीडियो में बताया है। तो यहाँ भी एक स्टेप बता देती हूँ, ये यहाँ पर हमारा कॉर्नर जुट जाएगा।
क्योंकि सेम सेम फूल बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से बड़े वाले फूल में हमने बहुत सारे डिजाइन बताए हैं। इस तरह से हमारा स्पेस छूटते जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, अब आगे वाला स्टेप ऐसे ही हम पूरा कर लेते हैं जैसे कि हमने सबको बनाया था। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर एक काम ने जगह छोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ से हम कितना सुंदर इसका देखिए, हर एक एक फूल बनते जा रहा है क्योंकि हमने इसको सब अंदाज़ा ले लेके बढ़िया से बनाया है। जो छोड़ा था हमने एक का जगह, ये यही वाला था एक का जगह बीच में छोड़ करके, अंदाज़ा से हमें आगे वाला बनाना पड़ता है। अब बीच में आ करके इसको बना करके हम नीचे आने लगते हैं। इसी तरह से इसको हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए हमारा ये फूल क्लियर हो गया। अब इसके बाद में फिर एक दो तीन, एक और रहता चार, तो हमारा ये वाला फूल बन जाता ये वाला, लेकिन नहीं है तो इसको हम सिंगल ही बना लेंगे। हमने आपको छोटे पर बना करके सिखाया है, बताया है। अगर आपको बड़े पर बनाना है तो ज़्यादा ही बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे आप पहला स्टेप तो आपका बन जाएगा फूल। कंटिन्यू आप आगे बनाते रहेंगे। देखिए ये वाला ऐसे ही हमारा वन बाय वन चलते जाएगा। जो कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि इस तरह से हम सूट वगैरह पर बनाते हैं, जो वो वाला स्टेप है ये। यहाँ पर हमारा ये धागा ख़त्म हो गया, ये फूल भी बन करके कंप्लीट है। देखिए मैंने इसमें आपको क्या क्या सिखाया, इसमें पहला स्टेप सिखाया है, इसके बाद दूसरा वाला स्टेप ये जाता है जो कि यहाँ से बना रहे थे हम आपको बताए थे, तीसरा स्टेप ये वाला हमने बनाया है, चौथा स्टेप ये वाला, और ये कॉर्नर है, और साथ में ये दोनों ज्वाइंट करने का जो तरीका है ये भी हमने बताया। एक फूल में हमने बहुत सारे आपको डिजाइन बताए हैं, आपको इसको बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर इसको भरने नहीं आता होगा तो उसके लिए भी आप अगर कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँगी। और इस तरह से हमारा फूल जिस पर आप चाहे बना करके आप रेडी कर सकते हैं, चादर हो, टेबल का कवर हो, या पर्दा हो, किसी पर भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा फूल बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।